नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। सेवराई तहसील के सैर गांव में आज दोपहर हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे दर्जनों किसानों के करीब 75 से 80 बीघा खेत जलकर राख हो गया, जिससे गुस्साए किसानों ने सायर पालनपुर मार्ग को जाम कर हंगामा करते हुए बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची गहमर पुलिस ने उप जिलाधिकारी सेवराई तहसील एसपी श्रीवास्तव से दूरभाष से वार्ता कर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के आश्वासन के बाद जाम समाप्त कराया। पहले जो है आग लग गया है और जहां पर पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। कितने बीघे की फसल को नुकसान हुआ है? अब देखिए, इसका तो आकलन सही करना मुश्किल है, लेकिन तो भी 70 से 80 बीघा फसल लगभग बर्बाद हो चुका है। कितने घंटे हो गए घटना को और अभी तक दमकल कर्मी या कोई भी अधिकारी या पुलिस कर्मी पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं? देखिए, घटना को तो लगभग 3 घंटे हो चुका है और उसके बावजूद तुरंत ही जो है कि नहीं, उसके उपरांत ही दमकल विभाग को सूचित किया गया है, लेकिन वहां से कोई अभी तक आप देख सकते हैं यथार्थ पर यहां पर दमकल विभाग आया नहीं है। और प्रशासन से उच्च स्तरीय जब बात हुआ तो उन्होंने यही बोला है कि जाते जाते जाएगा, जा रहा है। कितने किसानों का फसल नुकसान हुआ है? करीब लगभग सैकड़ों किसान है, छोटे से लेकर बड़े किसान तक, 5 बंडा से लेकर के 5 बीघा तक, और सबकी फसल A to Z 100% जो है कि नहीं, अभी फसल खेत में ही लगी हुई थी, लोगों अब शादी ब्याह में व्यस्त थे जिसे अभी फसल कटी नहीं थी और लगभग सबका फसल जो है कि नहीं बर्बाद हो चुका है। आप लोगों ने अभी बिजली विभाग को लेकर प्रदर्शन किया है? जी, बिजली विभाग को लेकर के हम लोगों ने इसीलिए प्रदर्शन किया क्योंकि देखिए, तार जो भी है, तार हो चाहे जो भी ट्रांसफार्मर है, उसकी स्थिति एकदम इधर की जर्जर हो चुकी है। कई बार इसका कंप्लेन भी जा चुका है लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं हुई। आज उसका नतीजा ये निकला है कि वहां से जो है कि नहीं, उसी का नतीजा है कि देखिए, यहां से ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकली है और जो है कि नहीं, सैकड़ों बीघा फसल जो है कि नहीं जल करके बर्बाद हो गई। तो हम यही चाहते हैं और हमारा जो भी यहाँ आंदोलन करने का, चाहे जो भी है करने का मतलब यही है कि हमें बिजली विभाग द्वारा भी उचित से उचित मुआवजा दिया जाए।